देखिए जब तक आप अपना बिस्तर नहीं खरीद लेते तो आप हमारे साथ ही सो लिया कीजिएगा। मिया यानी मुझे तुम्हारे साथ हम बिस्तर ही करना पड़ेगा। पर आपका जो मर्जी मांगा वही कीजिएगा। अरे कौन कौन सा फॉर्स इस्तेमाल करते हैं? नाराज मत हो, नाराज मत हो। ठीक है मैं जल्दी अपना बिस्तर खरीद दूंगा। उठा एक दूसरा तो हैंगर भाभी पकड़ लीजिएगा कपड़ा टांगने के वास्ते। अब वैसे आपको सेव बनाने का कोना जरूरत है ही नहीं, पर हमारा फेर लवली बोरा पला समझ के ना घुस लीजिएगा। साबुन टूथपेस्ट अलग अलग। टूथपेस्ट? हाँ टूथपेस्ट। थोड़ी ब्रश तो है ना आपके पास? ब्रश? अरे उन्हें तो कही दंत बा किससे मांझेगा? मिसवाक से। हमको तो लगता आपको ना प्लेमेंट बात से उतार कर तीन दो नहीं चले आए। हर बात में ना बढ़ हर बात में ना भर। मेरा बैतुल खला है इस घर में। पीलो साला एक टूर नया भर। देखिए इस रूम के अलावा एक टू अटैच लैटरिन और बाथरूम में बस। मिया हाँ वहाँ क्या होता है? ये भी ना पूछते हैं तो बिहारियों से भी गए गुजरे हैं आप। कौन बेटा भिंड? हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसका भी वो प्रैक्टिकल कर दो। इसका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हमको शर्म लगती है। प्रैक्टिकल करने में क्या शर्म? आपको नहीं हमको तो जवान मार दूं। मैं भी कान में करूंगा। लेकिन मिया समझा समझा लैटरिन वो बाथरूम 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 और वहां जो कीजिएगा ना उसको फ्लश कर दीजिएगा। कर दीजिएगा? ये आपका अंग्रेजी का अंडरस्टैंडिंग तो एकदम अजीब है। वहां जो कीजिएगा ना उस पर पानी फेंक दीजिएगा। पानी पानी अपने सारे किए धरे पर पानी फेंक। खाना अपने अपने पैसों से खाना पड़ेगा और जो रूम में खाएगा तो ये मीट बीट बिल्कुल नहीं चलेगा। मीट का मतलब होता है गोश्त। गोश्त नहीं खाऊंगा तो खाऊंगा क्या? गोश्त खाएगा? गोश्त खाएगा? हाँ भाई। तो जाकर लगे पुरानी दिल्ली का हमला भेजा फ्राई करने। अच्छा अच्छा नाराज मत हो, नाराज मत हो। ठीक है नहीं खाऊंगा। ये हुई ना पटो वाली बात। गिव मी फाइव। ठीक है चलो लैपिंग दीजिए ताली वाले। अच्छा मैं माफ कर माफ कर। गिव मी फाइव। दूसरे का वाला भूल गया अभी कर पाता हूँ। पैसे का माफ चौथा आंटी पे लाइन बाइन नहीं मारिएगा। तो मारने लगे भला किसी को? चौथा आंटी अरे चौथा आंटी देखिए ना हम आपके लिए टू नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अरे ठीक है वो तेरे हैं ठीक है 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 ठीक हमरा लिए रूम पार्टनर रूम पार्टनर गालिब गालिब। ओ केड़ा गालिब किथे उठे? दुई दिल मिल रहा है चुपके सबको हो रही है। बड़ा नाटी हो गया है। गालिब मिर्जा गालिब ओ जी तो बुल्ले शाहपुर तो जी खड़ोते क्यों जी? बैठो जी बैठो बैठो। मोहतरमा आपने
दीवान का मुताला किया है। बुढ़े आप ही उम्र में भी मुंह काला कर लेते। देखो जी आपकी सारी गजलों को ना जो जीत सिंह ने गाया है मैंने कैसेट में सुनिया है। कैसेट का अर्थ आपको नहीं ना मालूम है तो चुप रहिएगा। फिर नसीब होते इच्छा वाले गालिब को तो समझता ही नहीं है। ओ गालिब जी मैंने ना आपका सीरियल भी देखा है। आपने भी देखा होएगा। ओहो उस सीरियल में एक भिखारी आपकी गजल गाता है। उस गजल में एक मुर्गा भी है। अच्छा मैं गा देती हूँ। हो गई गालिब बुलाएं सब तमाम बस एक मुर्गे नागहानी हो है। अरे पहले कारी बता भाई हमको भी आपका एक गाना याद है सुना दे। इरशाद इरशाद नहीं जाहिर। सुनाओ सुनाओ तनिक सेंटर बात तो ले ले। फिर मुझे दीदा है ताड़ याद आया हुई दिल जी करती सुना फाड़ याद आया अरे जिंदगी यूं ही गुजर ही जाती क्यों तेरा राह गुजर याद आए। कोई भिड़ानी सी भिड़ानी कोई भिड़ानी सी भिड़ानी है दस्त को देखा तू घर याद आया। और हमने मजनू के लड़कपन में ऐसा सांग उठाए थे कि सारे याद आया। तुई और सुना दे। नहीं ये एक बात सुनाओ। जब मैंने चांदनी चौक में तुम्हें अपना नाम बताया था तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं वही गालिब हूँ। और आप भी सड़क पर भिखारियों की तरह तो बैठे थे कौन पास है तब तक आप ही गालिब है। और हम तो ये समझते थे कि गालिब इतने बड़े शायर जगजीत सिंह फैन मुंबई में रहते होंगे दिखाता बासु के घर के आस पास। गालिब जी मैं तो समझती थी समझ नहीं आते बड़ी अच्छी लगती है। मियां हिंदुस्तान जिंदाबाद आपको हमारी हौसले कैसी लगती है। आप उर्दू में लिखते हैं ना। उर्दू में बाउंसर हो जाता है। आप ऐसे आप अपना उर्दू वाला गजल का हिंदी में क्लास लेकर करवा देना तो सारे का सारा पॉपुलर हो जाएगा। हाँ जैसे आपका वो वाला गजल है ना काबा किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। छपड़ा में मेरे टू काका है और उन्होंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिए तो सुना दे। अरे काशी किस मुख से जाओगे काका लज्जा तुमको तनिक नहीं आती। मियां तुम्हारे काका ने मेरे इशार की और भी बेहतरी की है। अच्छा अच्छा चाड़ा आप जो कह रहे हैं हमारे काका ने तो बहुत ही किया बहुत ही किया है तो सुना दे। सेंटर वाले उनके देखे से जो मुख पर आ जाती है आभा उनके देखे से जो मुख पर आ जाती है आभा उस समझते हैं रोगी की दशा उत्तम। क्या बेहुर्मती की है मेरे शेर की उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मियां तुम्हारे काका मेरे शहर की बेहुर्मती करने के अलावा और क्या क्या करते हैं। काका करते हैं काका अरे पूछे काका काका नहीं करते हैं काका कंफ्यूज हो गए काका। अरे आपकी सारी की सारी उर्दू वाली कविता ना उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं काका। अब आप अपना ऊ वाला भी ले लीजिए पत्ती हर रंग में जाती है भोर होने तक उसका भी हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिए वो भी सुना दे सुना दे। सेंटड़वा ले लिया। आपको चाहिए एक आयु प्रभावित होने तक आपको चाहिए एक आयु प्रभावित होने तक अरे कौन जीता है तड़ी लटके कपार होने तक। आधी बेहुरमती यहाँ भतीजा कर रहा है और आधी बेहुरमती वहाँ छपड़ा में काका कर रही है। शुक्रिया मड़प्पा मुड़प्पा की आप दोनों आपस में शेर बोली जा रहे हो मैं थे वो
वाला ना राजमा चावल वाला दाल फ्राई है और मटर की सब्जी पीने के नाम पर तो हमें हुक्के और बोतल का ही शौक है। बोतल पियोगे कोक के पेप्सी? ओ नहीं, हम पेप्सी पियूंगा, पेप्सी ये प्यास है बड़ी, ये प्यास है बड़ी। तो यार किराए जोड़ दूंगी ना, प्यासा ही मर जाएगा। बोतल लेके आती हुआ वाली मेरे तो पाग खुल गए। उनको शायर के कितने वटे शायर मिर्जा गालिब मेरे सर वटे तो अट्टर में हजारों ख्वाहिशें थी के हर ख्वाहिश पे तुम निकले। जमाना खासा बदल गया, शराब का नाम पेप्सी और साके का मिसी चड्ढा। अब मुसलमानों के शराब पीते सिस्टम। बाबा, आपका अंग्रेजी तो इम्प्रूव हो रहा है भाई।